करी थी, बोलना जरा। टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने। शुक्रिया यार इसके लिए। और क्या वेलकम बैक टू माई चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। सुबह सुबह मेरे वाली हरकतें नहीं करनी यार, कि ऐसी वाला बर्गर पड़ा हुआ था मुझे नजर आ गया, मैंने कहा यार खा लेते हैं। मेरे घर वाले पता नहीं किधर हैं ब्रो, मतलब मुझे धोखा देके निकल गए, बताते हैं। तो यार मैं उठ चुकी हूँ, मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बेसिकली बताना है कि क्या सीन अभी बताने लगी थी थोड़ी देर पहले। सिर्फ स्टोरी टाइम यार, एक तो मेरे स्टोरी टाइम्स नहीं खत्म होते। मुझे अब्बा जी की कॉल आ रही है, मैं 11:30-12 बजे मैं नींद में, हाँ जी हेलो क्या हाल की। मुझे पता चल रहा है मेरे घर वाले घर पे ही नहीं है, मतलब अम्मा चली गई हैं फाद के साथ इस्लामाबाद, अब्बा चले गए हैं जी काम पे, कहते जी काम वाली ने आना था उठ जाओ। यार मजीद हमें कुछ गिफ्ट रिसीव हुए थे, ये वाला बुक आप लोगों ने पहले ब्लॉग में नहीं देखा है, ये जी पता नहीं कहाँ से आया था, अब तो मुझे खुद भी भूल गया कहाँ से आया था। तो खैर एक दो और चीज़ें हैं, ये इसमें जी परफ्यूम था, मैंने अनबॉक्स करके देखा था, बहुत 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 अच्छा था, बहुत शुक्रिया यार इसके लिए। और क्या सीन है यार, ये हमने ना सारा कुछ साथ ठीक करना है, हम इधर भी चीज़ें सेट करके रखेंगे, हमने ब्रो सफाइयाँ करनी है आज, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद हमें जी ये ब्रेकआउट से कुछ कपड़े गिफ्ट आए थे, ब्रो ये निकालो इनको हम कपड़े दिखाएं। उतनी देर हम ये खलारा उठा लेंगे, इसके अंदर जी एक हैंडबैग था। अब मैं तुम लोग को हैंडबैग खोल के दिखाऊँ, फिर तुम लोग बातें करोगे यार दिखाती नहीं है, रुको यार। मुझे ना बहुत टाइम से, मैं बताती हूँ, मुझे ये ना मोतियों वाला पर्स लेना आया हुआ था ब्रो, ये ना छोटे होते बड़े होते थे मेरे पास, छोटे होते की चीज़ें चल रही थी पता तुम लोगों को, नहीं लेकिन अब ये दोबारा हाई एंड फैशन बन चुका है, बट थैंक्स फॉर दिस ब्रो, ये मुझे बहुत टाइम से लेना आया था। ये देखिए बहुत ज़्यादा कूल है, इसके कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी शर्ट हमारी निकल आई है, ऐ खाली रखती चादर इतने। अच्छा जी दिस इज टॉप, ये यार दुआ लेके आई थी, जिसको नहीं पता दुआ कौन है, दुआ खान एक हमारे पास बड़ी हसीन खूबसूरत एक्ट्रेस है, उनके ड्रामा देखा करो यार जाके। दुआ तेरी फ्री की प्रमोशन कर रही हूँ मैं। अच्छा जी और भी वो कपड़े लेके आई थी, ये पीछे और भी कपड़े आए हुए हमें, इस दफ़ा कपड़े बहुत आए हैं मेरी जान, कपड़े बहुत आए हैं हमें। दिस इज इवन कपड़े निकालो, ये भी दिखाते हैं। तो ये दो बेसिकली जो थे वो दुआ की तरफ से थे, ये मेरी एक और फ्रेंड लेके आई थी, दिस इज़ आर टॉप, वेस्टर्न टॉप है, इसको मैंने ट्राई किया था, इसे ही उल्टा पुल्टा हुआ हुआ है, सब्र करो, दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं। टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने, हमारे मतलब आपको मत सिखा। अच्छा जी दिस इज इन ब्लैक कलर, ये एक ऐसे वेस्टर्न टॉप है, बहुत ज़्यादा सही है, इसको हम किसी अच्छे से जीन्स के साथ पेयर करेंगे। और इसके अंदर एक येलो कलर में टॉप था, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा था यार तैयबा, ये बहुत मज़े का था, देखो बहुत सिंपल डिसेंट सा जीन्स के साथ पहना हुआ, मतलब ब्रो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। अभी हम ये खिलाना उठाते हैं, बुकेज यार अब फेंकने की फाइनली बारी आ चुकी है, अब ये सड़ चुके हैं। मैंने बताया था अनबॉक्सिंग वाले व्लॉग में, मैंने बताया था जिसमें मैंने अनबॉक्स किए थे सारे गिफ्ट्स कि भाई जब तक ये सड़ नहीं जाएंगे मर नहीं जाएंगे हमने इनको फेंकना नहीं है, बट आज अनफॉर्चुनेटली इनको हम साइड कर देंगे। ब्रो मैं अभी एक चीज़ दिखाऊंगी, तुम लोगों ने घबराना नहीं है क्योंकि हम नहीं घबरा रहे। हरकतें मेरी चेक करना, बहुत खला रहा है, बहुत मैस है ब्रो, बहुत मैस है, बहुत मैस है, और मतलब अखीर हुई पड़ी है, चेक कर रहे हो। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि यार जूते सारे साफ साफ कर रहे हैं, ठीक है मैं और तैयबा मिलके इनको अरेंज करके रखेंगे, हील्स अलग करके, सैंडल्स अलग करके, जोगर्स अलग करके, क्योंकि यार इस बेचारी की कमबख्ती आ जाती है कि किधर है चीज़ें, क्या है क्या है। अभी ऊपर वाले ड्रॉ से हमने सामान नहीं निकाला, समझ रहे हो अभी, मतलब जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैंने रस्मा डॉल का फेशियल मंगवाया था और मैंने उसको किया था रिव्यू, पर सीन क्या हुआ कि यार बीच में मैंने ना तुम लोगों के लिए कुछ वीडियोस बनाई थी, सवाल जवाब हुए थे, और ठीक है मैंने उसको काफी ट्रोल कर दिया था। ट्रोल क्यों किया था, क्योंकि मुझे पता था उसके प्रोडक्ट्स बहुत गंदे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, आज हम ये जो सारी सफाई कर रहे थे उसमें मुझे एक मास्क मिला है, मैं तुम लोग को इसकी हालत दिखाती हूँ, मतलब आपकी बहन ठीक कह रही थी, जो उसके सपोर्टर्स आए हुए थे ना अब वो गौर से देख लें कि मैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बात कर रही थी, बोलना जरा। ब्रो ये मास्क था इसका और इसको उल्टी लगी हुई है, कैन यू बिलीव इट, खत्म। ये देख रहे हो तुम लोग, अभी इसके बाद और तुम लोग को क्या सबूत चाहिए कि ये क्या तुम लोगों को दे रही है अपने मुंह पे लगाने के लिए। अभी इसकी एक्सपायरी थी 2025, इसके ऊपर लिखी हुई ना ये देख लो, गौर से देखो 2025 इन्होंने एक्सपायरी लगाई हुई है, और ये इससे पहले खराब नहीं होना चाहिए था प्रोडक्ट, अभी 2024 का मिड चल रहा है,
अभी तुम लोगों को लगता है कि मैंने उसको गलत ट्रोल किया तो मतलब तुम लोग वैसे ही बेवकूफ हो, मेरा तुम लोगों को रिव्यूज देने का कोई मतलब नहीं बचता। मतलब यार तैबा, मैंने ये चीज मुंह पे लगाई है, मैं मुझे खुद पे हैरानी है ब्रो, मैं हैरान परेशान हूँ। यो वो आ रही इसमें से, ये लो लगाओ, ये लगाओ अस्मा डॉल, ये तुम देख लो तुम क्या लोगों को बेच रही हो, और लिटरली सो पैथेटिक। अभी मैं तुम लोगों को एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, मेरे कोई और स्किन केयर कोई भी चीज़ निकालो, ये सामने दराज खुला हुआ है, मैं कुछ नहीं टच कर रही, कुछ भी निकालो, ये वाली क्रीम निकालो, ये भी बहुत अरसे से पड़ी हुई है, दिस इज़ लॉरियल, ठीक है, ये वैसे स्किन केयर बिल्कुल सही है, कोई और प्रोडक्ट निकाल लो यार, इन लोगों को थोड़ी सी अकल तो दूँ मैं, पता नहीं क्या करते हैं। हाँ ये निकाल लो, ये मेरी, ये देखो ये एसटी लाइव्स की बॉडी लोशन है, इसको भी तकरीबन एक साल हो चुका है, मतलब ये बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, इसकी भी एक्सपायरी अभी मतलब नहीं पूरा हुआ, एक्सपायर नहीं हुआ, तो ये देखो अभी इसका टाइम है, उसके पहले ये चीज़ एक्सपायर हो चुकी है, और इसके ये हालात है मतलब, और मेरे रूम में हर टाइम एसी चलता है, मतलब ये भी नहीं कह सकती कि गर्मी में प्रोडक्ट्स रखे हुए थे तो खराब हो गए, मेरे रूम में 24 घंटे एसी चलता है, तो अभी भी चल रहा है, कैन यू बिलीव, ये दरवाजा खुला हुआ है ठीक है, पर एसी चल रहा है। अब ये मतलब तुम लोग जो इसके सपोर्टर्स हो ना, मुझे आप कमेंट करके बताना, अब तुम लोग करना, फिर मैं तुम लोग की उतारूंगी, फिर मैं तुम लोग की बेइज्जती करूंगी ब्रो, कि तुम लोग के लिए मैं पैसे जाया करती हूँ, तुम लोग को मैं रिव्यूज देती हूँ, तुम लोग को फिर समझ नहीं आती। हेट दिस। 2000 years later. तकरीबन यार 4 घंटे हमें लगे सफाइयाँ करने में, सब कुछ साफ हो चुका है, लेट मी शो यू, बस ये एक दो चीज़ें हमने ऊपर पहुँचानी है, वो पहुँचा देते हैं, मतलब तुम लोग देख रहे हो कमरा हमने यार साफ सुथरा कर लिया, फाइनली इट्स डन। ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल। अच्छा तो यार क्लिनिक से आके क्या किया, जैसे कि तुम लोगों को पता था कि यार पहले रूम की सफाई करते, उसके बाद मैं क्लिनिक चली गई, क्लिनिक पे यार सेगमेंट नहीं बन सके क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, कंसल्टेशन पे कंसल्टेशन, मीटिंग और सारा कुछ। अभी मैं तुम लोगों को लास्ट एक दो ब्लॉग्स में बता रही थी कि मुझे न्यू के ये फ्लेवर मिल्क बहुत अच्छे लगे थे, और आपकी बहन को इनका पीआर आ गया, मतलब रिव्यू वीडियो बनानी थी और बताना था कि लोगों को कि इनके प्रोडक्ट्स क्यों डिफरेंट है बाकियों से, तो जिसने अभी तक चेकआउट नहीं किया मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर आप लोग देख सकते हो। अभी हम अपना ये जो है जी मिल्क इन्जॉय करेंगे, मैं तुम लोगों को इसके रिव्यूज़ भी बताती हूँ। एंगल को ब्रो तुम लोगों ने इग्नोर करना, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा मोटी और बुरी आ रही होंगी, लेकिन मेरे पास स्टैंड नहीं था कि मैं अपना फ़ोन कहाँ पर एडजस्ट करती, इसलिए हमने इसको खोल लिया। ये है हमारे पास इनका मिल्क, कौन से फ्लेवर में, आई थिंक बादाम एंड ज़ाफ़रानी, रुको ट्राई करने दो मुझे। फाइनली आई जस्ट चेंज माई आउटफिट, ये पीछे तो लॉग टाइम पे ना जाया करो, ये ख़राब है, ये सदियों से ख़राब है, तो खैर अभी बस यार चलते हैं, सोते हैं, निकलते हैं बेड पे। बहुत ज़्यादा सही था उसका मिल्क का फ्लेवर जो अभी मैं तुम लोगों को दिखा रही थी, लास्ट में तुम लोग भी ट्राई कर लेना, बहुत सही है, फिट है, मैंने एक तो पहले ब्लॉग्स में भी बताया था। खैर अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, अभी सिर्फ सोना है, आज बहुत ज़्यादा सीन मतलब अजीब ही चला है, सफाइयाँ की हैं, क्या कुछ किया है, और जो मैंने बातें की थी यार अस्मा डॉल के प्रोडक्ट के बारे में, मतलब वो बिल्कुल ठीक थी, अब मुझे मेरे सपोर्टर्स चाहिए हैं, वो कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें आके, मतलब मेरी जान आपकी बहन आपको झूठे रिव्यूज़ नहीं देती है, फाइन ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो खैर ये वाला व्लॉग हम करते हैं, अब मैं तुम लोगों को सुबह मिलूंगी, आई सी यू गाइस टुमारो, अंटिल देन टेक केयर, लव यू, बाय। और बहुत जरूरी बात है कि जी बेल आइकन आप लोगों ने प्रेस कर लेना ताकि व्लॉग्स मिस नहीं करने, मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों को मिले, बाय।